सो हेलो गाइस, केम छो तमे, जय माता जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आ गए गांधी आश्रम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज ये रहा गांधी आश्रम का मैप पूरा, तो यहाँ पे मतलब पूरा है। अभी हम यहाँ पर है, फिर आगे म्यूजियम है, फिर प्रार्थना भूमि, सारा लिखा हुआ है क्या क्या है। सो गाइज यहाँ पर पुस्तकालय है, म्यूजियम, चलिए चलते। तो गाइस ये रहा पूरा म्यूजियम, इसमें मतलब गांधी जी ने जो पत्र लिखे थे, लेटर्स, उनका सब है, मतलब पुरानी फोटोज भी है जो उन्होंने लेटर्स लिखे थे, वो सारा कुछ है यहाँ पर भी, और उनका मैसेज आप ब्लॉग पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हर जगह मतलब कुछ ना कुछ दिया हुआ है गांधी आश्रम के बारे में, कुछ ना कुछ बताया गया है, आप वीडियोस पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं इसका एक फोटो भी रख दूंगा बीच, तो आप देख लेना। ये मतलब पूरा म्यूजियम है आश्रम में, मतलब आश्रम में जो लोग थे मेन, उनका है पूरा लिस्ट, ये रहा पूरा। सो गाइज यहाँ पर ये है कि कौन कौन प्रोमिनेंट विजिटर आए थे मेन, तो देखिए क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ नीचे डेट भी लिखा हुआ है कौन से साल में आए थे वो, और उनका नाम जो जो आए थे। मैं एक बार क्विक वीडियो ले लेता हूँ, आप पॉज करके देख लेना। APJ अब्दुल कलाम भी आए थे, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, चिनपिंग, यहाँ पर सारे लेटर्स और वो सभी है गांधी जी ने कि उनको लिखा, फिर उनको जो मिलने आए थे उनका सब जिक्र किया हुआ है सारी तस्वीरों में, और ये भी सारे लेटर्स ही है और गांधी जी की हैंड राइटिंग है ये सारी, देख लीजिए। मैं इनका सबका एक लिखा हुआ उसका ब्लॉक के साथ एक बीच में फोटो भी रख दूंगा। चलिए आगे चलते। तो ये है एग्जीबिशन हॉल, मेरा जीवन ही मेरा संदेशा है, माई लाइफ इज माई मैसेज, MK गांधी। ये पूरा एग्जीबिशन हॉल है जहाँ गांधी जी का मतलब पूरी लाइफ बताई हुई है पिक्चर्स में। तो ये 1876 की है, 7 वर्ष के थे पोरबंदर की, तब की गांधी जी की तस्वीर और बर्थ प्लेस जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, और ये उनके माता पिता की तस्वीर है, पुतली बाई और मिस्टर करमचंद उनके पिताजी। तो गाइज मैं यहाँ पर ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ,
बीच बीच में इनकी फोटोज एक एक रख दूंगा, तो आप पॉज करके पढ़ लेना। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसके लिए सॉरी, बार बार यही लाइन रिपीट हो रही है। Okay. ये रहा गांधी जी का पोस्टर। सो गाइस, यहाँ पर भी मतलब पूरा जो इंसर्ट में बता देता हूँ, इन सब में मतलब गांधी जी बचपन से लेके हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक उन्होंने मतलब जितने भी कार्य किए, जितने भी वर्क किए, वो सब का ब्रीफ इसमें, ब्रीफ में मतलब डिटेल में सारा बताया गया कि कौन सी इतने तक वो पढ़े, उसके बाद उन्होंने ये किया, मतलब सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए सारा पूरा। सो गाइस, न्यूज़पेपर के कटिंग्स और वो सब थे, और ये रहा उनका दूसरा मतलब पेंटिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर मतलब पूरा उनकी लाइफ की जर्नी को डिटेल में बताया हुआ है। तो व्लॉग में ये कह पाना आसान नहीं होगा समझाना, क्योंकि व्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। तो अगर आप अहमदाबाद से हो या फिर आजू बाजू के एरिया से हो, तो एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करना। यहाँ पर गाइस गांधी जी के सारे मतलब पिक्चर्स है, ओनली पिक्चर्स ही लगाई हुई है यहाँ पर सारी। वो भाषण देते हुए यहाँ पर अहिंसा के खिलाफ। और ये मतलब मुखोलिया के जो होती है उनके छिलके से बनाई हुई तस्वीर। और ये रहा पूरा मतलब मिनिएचर गांधी आश्रम का, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो, क्योंकि फाइबर की वजह से दिख नहीं रहा होगा। तो ये पूरा मिनिएचर किया हुआ है गांधी आश्रम का, क्रिएट 1915 से 1930 तक साबरमती आश्रम की पूरी टाइमलाइन, 1915 से 1930 तक क्या क्या हुआ सारा यहाँ पर। मैं इसका भी एक फोटो बीच में रख दूंगा। अभी म्यूजियम यहाँ का हो गया खत्म, अभी हम जाएंगे बाहर। और ये चरखा है, रखे हुए हैं 3, 1, 2, 3, और ये सारे मतलब उसी से बनाए हुए हैं, सारे चरखे रखे हुए हैं। और ये रहे मतलब डोरी और कॉटन। और यहाँ पर जो भी दिखाया गया है, जो भी ये सारे हैं, ये सब इन चरखों में से ही बने हुए, मतलब इन्हीं से ऐसा बन सकता है। तो देखिए फिर ये थोड़े मॉडर्न चरखे। आश्रम के पीछे साबरमती नदी पूरी। सो गाइस, अभी हम लोग आगे जाएंगे। गाइस आपको पता हो तो यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग भी हुई है, ओके जानू करके मूवी है, जिसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर है। उसमें एक सीन है गांधी आश्रम का, वो ये वाला ही है जहाँ पर दोनों खड़े होकर बात करते हैं।
तो वो भी देख लो ना आप। चलिए अंदर चलते हैं। मतलब यहाँ पे सारे गेस्ट रूम्स है। ये कस्तूरबा का रूम है, फिर ये वाला किचन है। को दिख रहा हूँ यहाँ पर गांधी जी की अस्थि है, कुंभ। और गाइस यहाँ पर रेप्लिकास ओरिजिनल नहीं है, ये मतलब जो स्पून और वो सब यूज करते थे उसका नकल है, एक रेप्लिकास है सारी। और ये फेमस गांधी जी के तीन मंदिर। ये है गांधी जी का रूम गाइस। तो ये विनोबा कुटीर है और मीरा कुटीर, मतलब ये वन टाइप ऑफ रूम ही है, कुछ ज्यादा है नहीं। मतलब यहाँ पर रहते थे विनोबा और मीराबा। तो अगर आपको सारा डिटेल में जानना हो तो ऐसे मतलब ब्लॉग में पूरा कवर नहीं हो सकता, अगर कवर करूँगा ब्लॉग पूरा आधे घंटे से ऊपर का हो जाएगा। इसकी वजह से जो विजिट करना चाहते हैं वो आ जाइए एक बार, काफ़ी अच्छी जगह है। और वेट 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 वेट, रुकिए रुकिए, ये देखिए कि ये मत हुआ है, बट ये अभी इसको कवर अप कर दिया है, देखिए पूरा कवर अप कर दिया है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर कोई अहमदाबाद में रहता है या फिर आजू बाजू के एरिया में, कहीं आजू बाजू की सिटी में, तो एक बार जरूर विजिट करें। ये अहमदाबाद का हेरिटेज प्लेस है। हमारा आज का अहमदाबाद हेरिटेज सिटी सीरीज का चौथा एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आगे के एपिसोड के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।